गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे। और आज मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्शन के बारे में, क्योंकि आप जितने भी स्टूडेंट शॉर्ट एंड कर रहे हैं, शॉर्ट एंड का कोई भी स्किल टेस्ट आपका आने वाला है, तो डेफिनेटली आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन पे लगा हुआ है कि मुझे सिलेक्शन चाहिए। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, किसी भी तरह से तैयारी करनी पड़े, और आप उसके लिए डेडिकेटेड होंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। और सिलेक्शन के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली आप किसी ना किसी मोड से तैयारी जरूर कर रहे होंगे, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो, चाहे वो आप किसी ऑफलाइन क्लास में जाते हो, चाहे किसी ऑनलाइन पेड बैच से आप तैयारी करते हो, या फिर और भी आपने कोई कोर्स ले रखा हो और किसी ना किसी मोड से आप तैयारी कर रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे सेल्फ स्टडी की। बहुत सारे स्टूडेंट, मैक्सिमम तो नहीं कहूंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट अपने लेवल पे सेल्फ स्टडी करके भी सिलेक्शन लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट लेते हैं। तो इसमें कोई संशय मत रखिए कि आप सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और अगर आपको कहीं मेंटोरशिप की जरूरत पड़ती है, तो सबसे पहला ऑप्शन हम क्या ढूंढते हैं, क्या हमारे पास कोई आसपास ऑफलाइन क्लास अवेलेबल है। और ऑफलाइन क्लास के फायदे भी बहुत हैं, और कहीं कहीं पे वो लैग कर जाती है ऑफलाइन क्लास, कि आप अगर ऑफलाइन क्लास जाते हैं तो आपको वहां माहौल मिलता है, आपको ट्रांसक्रिप्शन करने को मिलती है, आपको एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं, और भी बहुत सारे स्टूडेंट जिनको देख के, जिनकी परफॉर्मेंस को देख के आपको आगे बढ़ने का मन करता है। तो बहुत सारे ऑफलाइन क्लास के फायदे हैं, टीचर अवेलेबल होता है आपके सामने, आपको समझाने के लिए, बताने के लिए, आपको डांटने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो बहुत सारे फायदे ऑफलाइन क्लास के होते हैं, बट समटाइम की ऑफलाइन क्लास पास अवेलेबल नहीं है, तो बहुत दूर हम जा नहीं सकते, और कई बार हमें टाइमिंग सूट नहीं करता, और बहुत सारे रीजंस कई बारी रहते हैं। तो ऑफलाइन क्लास के कुछ ये हम कहें कि नुकसान भी हमें लगते होंगे, कि रनिंग एक्सपेंसेस बहुत कई बारी अगर बहुत दूर हो तो, और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत बार हो जाता है कई बार, और फ्रीक्वेंट छुट्टियां भी हमारी लग जाती हैं, लीव्स लग जाती हैं, कि हम किसी ना किसी कारण से ऑफलाइन क्लास में अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो ऑफलाइन क्लास एक अच्छा माध्यम है तैयारी करने का, अगर अवेलेबल हो आपके पास तो। और उसके बाद बात करें ऑनलाइन क्लास की, तो ऑनलाइन क्लास में आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, उसमें कोई डाउट नहीं है, और उसमें रनिंग एक्सपेंसेस नहीं रहते आपके अगर आप ऑनलाइन क्लास घर से कोई अटेंड करते हैं तो। और ये टाइम सेविंग रहता है, अटेंड आप कहीं भी कर सकते हैं, मान लीजिए 2 दिन के लिए कहीं बाहर जाना है तो एटलीस्ट आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं, ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे बट आप डिक्टेशन लिख पाएंगे, उसको रीड आउट कर पाएंगे, और भी जो उसमें मिस्टेक देखनी है आप उसको चेकआउट कर पाएंगे। तो ये 3 तरीके से हम शॉर्ट एंड के स्किल की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत पिछले बहुत सारे वीडियोस में मैं आपके कमेंट्स देख चुका हूँ कि कोई आप ऐसा बैच तैयार करिए, कुछ ऐसी गाइडेंस, ऐसा कोई पर्सनल मेंटोरशिप का कोई पेड बैच शुरू करिए, तो बहुत बहुत ऐसे मैसेज आ रहे थे। तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक देने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपसे सिर्फ एक जानना चाहता हूँ कि क्या वाकई आप इंटरेस्टेड हैं भी, या आपने वैसे ही कोई कमेंट किया। तो मैं आपका एक पर्सनल अटेंशन, पर्सनल इंटरेस्ट जानना चाहता हूँ कि क्या आपका सिलेक्शन के लिए आपको नीड है या नहीं है। तो मैं आपको एक गूगल फॉर्म देने वाला हूँ, तो आप उसको चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन में जाके। और अगर मैं कोई ऐसा बैच शुरू करता हूं तो उसमें आपको मिलने क्या वाला है, ये मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, कि उस पर्सनल बैच में आपको, पर्सनल मेंटोरशिप में आपको डेली बेसिस पे डिक्टेशंस मिलेंगी, और डिक्टेशंस कितनी रहेंगी ये मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बट मैं एग्जैक्ट नहीं बताने वाला हूं। एक डिक्टेशन नहीं, दो नहीं, तीन इससे भी ज्यादा, चार, पांच, छः, और मैं आपको अभी भी एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं बता रहा हूँ, और इससे भी ज्यादा हो सकती है, बट एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप फाइंड आउट कर लेंगे कि वाकई ये मेरे लिए एक सिलेक्शन बेस्ड मेरे लिए हो सकती है चीज, मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है मेरे सिलेक्शन का ये बैच।
तो आप आपको तय करना है कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है। और डिक्टेशन कौन सी होंगी, पर्सनली भी डिक्टेशन रिकॉर्ड करके मैं डालने वाला हूं, और एआई बेस्ड डिक्टेशन भी मैं आपको बना के देने वाला हूं। और डिक्टेशंस होंगी लीगल एडिटोरियल पेज की, और रिसर्च बेस्ड जनरल डिक्टेशन होंगी सभी टॉपिक्स पे, और डेली सॉल्यूशन होगा उनकी आउटलाइंस होंगी, ज्वाइनिंग्स होंगी लीगल प्लस जनरल वर्ड्स की, पर्सनल इंस्पिरेशनल सेशंस आपको मिलेंगे जो यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेंगे, और उससे अलावा आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बेस्ड वीडियोस भी मिलेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड होंगे, जो पर्सनली मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगा। और आपको हर एक एग्जाम में जो डिक्टेशंस होंगी डेली, वो आपको हर एक एग्जाम में काम आने वाली है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, शॉर्ट हैंड का, इंग्लिश का, स्किल टेस्ट। तो इस तरह का बैच मैं आपके लिए रेडी करूंगा। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो आप चेकआउट करिएगा गूगल फॉर्म को। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उस गूगल फॉर्म को भरिएगा, आप बताइएगा कि आप किस पोजीशन पे हैं और किस पोजीशन पे आप पहुंचना चाहते हैं। और अगर आप फीडबैक देंगे, मैसेज करेंगे, और तो मैं आपको, आप चाहेंगे तो 1-to-1 भी मैं आपके साथ काउंसलिंग के लिए आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। तो आप चेकआउट जरूर करिएगा। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।